हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। और दोस्तों, अभी अभी न्यूज़ आई है जिसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने अपनी 504 कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट थी उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी कर दी है, और जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ था, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट उन्होंने जारी कर दी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हम आपको बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें लेके जाने हैं, किस डेट को किस डिस्ट्रिक्ट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। वेबसाइट पर जाने के लिए हम गूगल में टाइप करेंगे gayatrijobs.com और इस पोस्ट को हम ओपन करेंगे। JSLPS कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर रिजल्ट 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, स्टार्टिंग जो डेट है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें 12 जून 2018 से 15 जुलाई 2018 तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा दोस्तों। और दोस्तों, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में ले जाना होगा उसके साथ साथ आपको अपने बायोडाटा का एक परफॉर्मा इन्होंने दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इस लिंक पर आपको क्लिक करेंगे तो उसका जो परफॉर्मा है आपको शो हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों। और इसमें अपना जो डिटेल है वो फिल करनी है। यहाँ सबसे पहले अपना जो फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ्स आपको लगाना है, उस पर अपने सिग्नेचर आपके होने चाहिए, क्रॉस सिग्नेचर। उसके बाद अपना अनुक्रमांक, नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, लिंक और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, दिव्यांग श्रेणी यदि है तो। ये आपको फॉर्म को अपनी अच्छी तरह से भरना है। इसमें आपका स्थायी निवास जिला आ जाएगा, और प्रचार का पता, स्थायी पता, और आपके जो सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर आपको करने हैं। और नेक्स्ट जो इसमें एक और स्टार दिया हुआ है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि 21/10/2018 तक 18 वर्ष से 42 वर्ष की होनी चाहिए, जो कि 22/10/1999 और 22/10/1975 के मध्य में हो। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपको डालनी है वो इस तरह से डालेंगे। इसके बाद अपनी जो शैक्षिक योग्यता है अपनी वो यहाँ पर डालनी है। इस तरह आपका जैसे 10th क्लास है और अपना जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, पूर्णांक और प्राप्तांक, और प्राप्तांक प्रतिशत आप कितने हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। नेक्स्ट, उसमें जो आपको साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है, 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपकी, उसकी जो फोटोकॉपी है वो लेके जानी है। जो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं इन डॉक्यूमेंट्स का आपको साथ में लेके जानी है फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड करके, और यहाँ पर आपको टिक करना है जो भी आप लेके जा रहे हैं। अगर आप साथ में अटैच करके भेज रहे हैं इस फॉर्म के साथ में, तो आपको इसमें यहाँ पर टिक का निशान आपको लगाना होगा। साथ में नीचे लिखा हुआ घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ, ये आपको यहाँ पर अपना स्थान और डेट आपको डालने और अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये नीचे आपको छोड़ देना है, जो कि ये कार्यालय प्रयोग हेतु के लिए है, ये आपको नहीं भरना है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आपको भर के साथ में डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं, लगाने हैं, साथ में फ़ोटो स्टेट, सेल्फ अटेस्टेड करके वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन सबको आपको इसके साथ अटैच करके लेके जाने होंगे। नेक्स्ट जो चलते हैं, इसमें जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज और अपने जो डेट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको इस एड्रेस पे जाना है, जो कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, अपोजिट SS मेमोरियल कॉलेज, कानके रोड, रांची। तो इस एड्रेस पे आपको जाना है। तो उसकी जो डेट वाइज आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो डेट है उसके हिसाब से मैं आपको बता दें, हमने यहाँ पर PDF दिया हुआ है। इस PDF में पूरी डेट और टाइम दिया हुआ है किस डेट को आपको जाना है। जैसे रामगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अब जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो रांची लोकेशन रहेगी उनकी, और जो डेट है 12 जून 2018 को इस एड्रेस पे जो मैंने आपको बताया अभी, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल अपोजिट SS मेमोरियल कॉलेज, कानके रोड, रांची, इस एड्रेस पे ये टाइमिंग दिया हुआ है। इस टाइम पे आपको जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर डेट दे रखी है और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन सेम रहेगी और जो उनका एड्रेस है वो भी सेम रहेगा, और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो भी सेम रहेगा दोस्तों। बस आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज होते चले जाएंगे। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो अपने डेट के हिसाब से वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। साथ में नीचे इन्होंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इस नोट्स को भी आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लें, जिसमें उपरोक्त टेबल में जिन जिलों हेतु 2 दिन निर्धारित किए हैं
वहां रोल नंबर के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना भी अगले कुछ दिनों में वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। साथ ही इसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संबंधित अभ्यर्थियों को भेजी जाएगी। तिथि में किसी प्रकार के बदलाव की दशा में अभ्यर्थियों को SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों साथ में इन्होंने यहाँ पर ये नोट्स दिए हुए हैं और आगे सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय सारणी दिनांक तथा समय के अनुसार और निर्दिष्ट स्थान दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित केंद्र पर निश्चित रूप से पहुंचकर अपना दस्तावेज सत्यापन कराएं। जैसे कि 24 मई 2018 को वेबसाइट में प्रकाशित सूचना में स्पष्ट किया गया है, अभ्यर्थियों को स्वयं दस्तावेजों की मूल ओरिजिनल कॉपी और उसकी सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी होगी वो उसके साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखित परीक्षा हेतु निर्गत किया गया प्रवेश पत्र, जो आपको प्रवेश पत्र दिया था एग्जामिनेशन के दौरान पे, वो आपको साथ लेके जाना है। मैट्रिक परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण, आपको उसका जो रिजल्ट और उसका जो प्रमाण पत्र है हाई स्कूल का, वो आपको साथ लेके जाना है। मान्य डोमोसाइल सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा। जाति प्रमाण पत्र साथ में आपको लेके जाएंगे। आधार, वोटर आईडी अथवा अन्य मान्य व्यक्तिगत फोटो प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। और साथ में हाल ही में दो रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको जो आपके हाल ही में खींचे हुए होंगे वो आपको फ़ोटो लेके जाने होंगे। नीचे कुछ नियम और शर्तें दी हुई हैं जो कि उनका अनुपालन करना ज़रूरी है। अगर अनुपालन नहीं करते हैं तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा, अनुपालन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों उसमें लिखा हुआ है जिलेवार निर्धारित तिथि एवं समय के अलावा संबंधित जिले के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए कोई अलग समय नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी इसका विशेष ध्यान रखें, इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। बताए गए दस्तावेजों के लिए जाने की स्थिति में अथवा स्वयं इन सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थिति नहीं होने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता चयन प्रक्रिया के लिए रद्द मानी जाएगी। प्रस्तुत दस्तावेजों के विवरणों को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं के साथ मिलान किया जाएगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते हुए दिखाए गए थे, आपने अपलोड किए थे, उनके साथ में मैचिंग की जाएगी, मिलान किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स सही हैं या गलत हैं। तो ये साथ में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्रत्येक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए समय अपहरण 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का निर्धारित किया गया है। हो सकता है कि मान्य कारणों से प्रक्रिया अगले दिन तक के लिए जारी किया जाए। अभ्यर्थी इसके लिए तैयार रहें और अपनी व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक निर्धारित पत्र में अपना बायोडाटा भरना होगा, जो हमने अभी आपको ऊपर PDF के लिए डाउनलोड करने के लिए बोला है, उसमें आपको अपना पूरा बायोडाटा आपको भरना है। दोस्तों इसमें JSPLS की वेबसाइट पर बायोडाटा का प्रमाण पत्र दिया गया है, हमने भी दिया हुआ है और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भरकर निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कोई भी भत्ता देय नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा इसमें आपका, कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है। यह प्रक्रिया अंतिम चयन नहीं माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद अन्य सभी निर्धारित मापदंडों के साथ अंतिम सूची जिलेवार आरक्षण रोस्टर के साथ तैयार करके बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो ये आपका फाइनल वो नहीं है, डिक्लेयर नहीं होगा कि पहले इसका सत्यापन होगा, उसके बाद आपकी जो आरक्षण के अनुसार आपके जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अलॉट की जाएगी। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आया वो हमने आपको बताया, तो आपको ये पोस्ट हमारी कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।